हमें यह बताते हैं कि हमें जितनी भी जिंदगी दे वह अच्छी और भली हो, ताकि हर बुराई से बचे, हम दूसरों को खुशियों के फूल बांटे। फिर दूसरों ने हमें क्या दिया है यह हमें नहीं सोचना है। स्पीकर किसी का शुरू है, बंद कर दीजिए बेटा। किसका शुरू है, बंद कर दीजिए। ओके, थैंक यू। हमें हमेशा दूसरों को खुशियों के फूल बांटने चाहिए। अगर अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों की मदद और सहायता करें, तो हमें अवश्य उसने कुछ दिया हो या ना दिया हो, मगर हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, बराबर। फिर आज जो मनुष्य भाई भाई का दुश्मन हुआ है, तो तू हरेक के मन में प्रेम दया का संचार कर, यानी कि भर दे, ताकि कोई मनुष्य एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे। और हाँ, तेरी रचना का अंत, यानी कि तूने ईश्वर को बनाया है, तो आपस में लड़कर यही जो मनुष्य है, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, तो यही मनुष्य एक दिन खत्म न हो जाए, यानी कि तेरी रचना का अंत न हो। इसी प्रकार यहाँ पर प्रार्थना कार्य दिया गया। अभी भी किसका स्पीकर ऑन है बेटा? आपको फेयर बुक्स में काव्य एक इतनी शक्ति हमें देना दाता सत्र दो का पहला काव्य लिखना है। यदि आपकी टेक्स्ट बुक नोटबुक्स में ही लिखना है बेटा। यदि आपके सत्र पहला जो सत्र था उसमें आपको कुछ पेज बाकी है, आधी बुक बाकी है, तो आप उसमें सत्र दो करके लिख सकते हैं। मगर आपको वो बुक पूरी हो गई है, तो नई बुक में आपको लिखना है। चलो प्रश्न एक लिखिए। प्रश्न एक, इतनी लंबी सूचना हमें नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ सही विकल्प चुनकर लिखिए, बराबर। काव्य एक मैंने जो बोला उसी तरह सत्र दो काव्य एक, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। फिर उसमें एक लाइन छोड़कर प्रश्न एक, यहाँ पर जो विकल्प के ऑप्शन है वह हमें नहीं लिखने हैं, सिर्फ सच्चा जवाब ही हमें लिखना है। किसी का स्पीकर शुरू है बेटा, बंद कर दो। स्पीकर किसका शुरू है बेटा? चलो प्रश्न एक करके लिखिए, सही विकल्प चुनकर, सही विकल्प चुनकर लिखिए, लिखिए। सूचना लिख ली सभी ने? और उसमें पहला विकल्प काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित, सभी लोग लिख रहे हैं ना बेटा? वॉइस काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है
उसके नीचे की लाइन में जवाब करके लिखिए, जवाब करके लिखिए दाता, दाता दाता चलो 83 नंबर, 83 नंबर, 83 नंबर, 88 नंबर। दूसरा दूसरा विकल्प कौन सा है? पढ़िए तो बेटा। सवाल कवि यहाँ किसकी पर रोशनी मांगता है? बनान। वेरी गुड, उसका जवाब क्या है? सरस। चलो लिखिए दूसरा विकल्प, कवि, कवि किसकी रोशनी, किसकी रोशनी मांगता है, मांगता है। जवाब करके लिखिए, जवाब करके लिखिए ज्ञान की, ज्ञान की। 136 नंबर, 136 नंबर, 118 नंबर, 118 नंबर, 29 नंबर, 129 नंबर, 100 नंबर। रमेश विकल्प बेटा तीसरा। दुश्मनी से हमें किसको खो जाने का डर है? खुद के। वेरी गुड, चलो तीसरा विकल्प लिखिए, दुश्मनी से हमें, दुश्मनी से हमें, स्पीकर बंद रखिए बेटा, दुश्मनी से हमें किसके, किसके खो जाने का, खो जाने, हेलो हाँ बोलो बेटा, मिस, स्कूल लेक्चर से मिस हिंदी के संस्कृत। हिंदी का हाँ दुश्मनी से हमें किसके, खो जाने का, खो जाने का डर है, डर हेलो है। मिस, हाँ बोलो बेटा, मिस मैं हिंदी में मिस ना बच्चे बच्चे में मिस मैं नवी सौ या 32 है। मिस ने खाली हमारे जवाब बस लिखवाना ना। हाँ बेटा, मगर यहाँ पर आपको नोटबुक्स में लिखना है। हाँ ओके, मिस रेड करूँ, क्या बेटा? सारी रीड करूं। हाँ, पहला तीसरे का जवाब लिख लीजिए, खुद के, खुद के। चलो अब चौथा बोलिए, आपका नंबर कौन सा है बेटा? जाने ओके, कैसे ये खाली जगह थमी है धरती। वेरी गुड, चौथा विकल्प लिखिए, जाने कैसे ये, जाने कैसे ये खाली
खाली जगह थमी है, खाली जगह थमी है। जवाब में लिखिए, जवाब में लिखिए धरती। जवाब में लिखिए धरती। उसके बाद प्रश्न दो लिखिए, प्रश्न दो। राखी से विकल्प, ओके, कौन सा विकल्प बाकी है बेटा? था चौथा यहाँ पर है, देखो ऊपर। तीसरा, तीसरा बाकी है, तीसरा बाकी है बस अब। ओके लिख लिया बेटा, बाकी है। कौन सा लिख रहे हो बेटा? चौथा, चौथा। ओके, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है। यहाँ पर यह विकल्प आपको खाली जगह में दिया गया है, हो सकता है कि खाली जगह में भी यह विकल्प पूछा जाए और विकल्प में भी यह प्रश्न पूछा जाए, ठीक है? लिखा गया। ओके, प्रश्न दो करके लिखिए। प्रश्न दो, रिक्त स्थानों की, रिक्त स्थानों की सूचना आपको इतनी ही लिखनी है। प्रश्न दो करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको जो नीचे बॉक्स दिया गया है वह बॉक्स नहीं लिखना है, बराबर। उसके बाद जो पहली खाली जगह है वह साथ में ही अंडरलाइन करके इस प्रकार आपको उसका जवाब लिखना है, ताकि परीक्षा के समय आप पढ़ते हो तो वह हाईलाइट हो सके। सूचना लिख ली आपने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह एक। क्या बेटा? खाली जगह एक, मन का खाली जगह कमजोर हो ना। खाली जगह में अंडरलाइन करके विश्वास लिखना है, विश्वास। ओके, उसके बाद दूसरी खाली जगह है हर खाली जगह से बचते रहे हम। खाली जगह में लिखिए बुराई, खाली जगह में
लिखिए राई। अभी भी किसका स्पीकर शुरू है बेटा? स्पीकर बंद रखो। तीसरी खाली जगह, तीसरी खाली जगह, सबका जीवन ही, सबका जीवन ही बन जाए, खाली मधुबनी। खाली जगह, खाली जगह में लिखिए मधुबन। मधुबाना। कौन बोल कर लिख रहा है बेटा? अपना स्पीकर बंद रखो। स्पीकर बंद रखो बेटा। चौथी खाली जगह है कर दे पावन, कर दे पावन चौथी खाली जगह है कर दे पावन, हर एक मन का, खाली जगह, खाली जगह में लिखिए कोना, खाली जगह में लिखिए कोना। उसके बाद छठवीं खाली जगह लिखिए, छठवीं खाली जगह लिखिए, सॉरी पांचवी, खो न दे खुद को ही, खो न दे खुद को ही खाली जगह से, खोने दे खुद को ही खाली जगह से। खाली जगह में लिखिए दुश्मनी, खाली जगह में लिखिए दुश्मनी। फिर छठवीं खाली जगह है, छठवीं खाली जगह है बोझ, बोझ खाली जगह से, खाली जगह से तू ये, तू ये उठा ले, उठा ले। खाली जगह में लिखिए ममता, खाली जगह में लिखिए ममता। चलो सभी ने खाली जगह लिख ली है बेटा। किसी को बाकी है? लिख गई। लिख ली। ओके हाँ चलो उसके बाद का प्रश्न लिखिए। प्रश्न 3, उसके
के बाद का प्रश्न लिखिए, प्रश्न तीन। सही वाक्यांश, सही वाक्यांश चुनकर सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। चलो 100 नंबर। पहला विकल्प कौन सा है, पढ़िए। भूलकर भी हमसे कोई। ओके, वेरी गुड। पहला विधान है भूल कर से भी भूल कर से भी हमसे कोई कोई, फिर आपको वह विधान छोड़ देना है डैश डैश करके, और नीचे की लाइन में जवाब लिखना है भूल ना हो। नीचे की लाइन में आप भूल ना हो। किसी का स्पीकर शुरू है बेटा, बंद कर दीजिए। स्पीकर किसका शुरू है बेटा? 100 नंबर का। 100 नंबर स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा। दूसरा विधान लिखिए, विधान दूसरा। हम सभी को फिर डैश डैश करके विधान छोड़ देना है। हम सभी को फिर डैश डैश करके वह लाइन छोड़ देनी है, और उसके नीचे जवाब लिखिए खुशियों के फूल बांटे, खुशियों के फूल बांटे। उसके बाद विधान तीन करके लिखिए। सईदा मिस, स्पीकर शुरू है, उसे लेफ्ट कर दीजिए। किसका स्पीकर शुरू है? ईश्वर की रचना का अभी भी किसी का स्पीकर शुरू है बेटा, बंद कर दीजिए। ईश्वर की रचना का फिर डैश डैश करके विधान छोड़ देना है, फिर डैश डैश करके विधान छोड़ देना है। अंत, नीचे जवाब में लिखिए, अंत
नहीं होना, नहीं होना चाहिए, अंत नहीं होना चाहिए। चाहिए। किसने स्पीकर शुरू किया फिर से बेटा? चलो ये तीनों विधानों आपने लिख लिए। हाँ किसने नहीं लिखे है? कौन सा नंबर है वह? लिखिए। चलो उसके बाद प्रश्न चार करके लिखिए। प्रश्न चार, प्रश्न चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उत्तर एक 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 वाक्य में लिखिए लिखिए। प्रश्न एक करके लिखिए। प्रश्न एक, हमें हमें कैसे रास्ते पर कैसे रास्ते पर चलना चलना चाहिए चाहिए क्यों क्यों? जवाब लिखिए। हमें क्या धीरे तो चल रही। बेटा? हेलो, हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए। नेक रास्ते पर चलना, मैंने काव्य समझाते समय कहा था कि सही रास्ते पर चलना। हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि जीवन में सुख और शांति बनी रहे। चलो पहला प्रश्न सबने लिख लिया। बॉयस, हाँ पहले प्रश्न का उत्तर सभी ने लिख लिया। ओके, तो आज हमारा यहाँ पर लेक्चर जो है वह पूरा होता है। इस लेक्चर में हमने प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए, प्रश्न दो रिक्त स्थानों की